साजिश मालूम कि सत्यजीत पठ ज्यादातर रूद हिंदुस्तान मज कांग्रेस जमात वक्त बल्कि अगर वनो मसल कश्मीर ईज पैदावार तम रूद ज्याद अखदार मज मगर यह हकीकत कि सारे खुद ज्याद ददार वात लूकन काजस एमी जमात तु वो यह कूत अफसोस मकाम कि मामल मुतल अदालत अदालत उजमा बयानात दर्डर जजमेंट दियासी नजरबंद मुतल अम पत्त कारी कर सियासत कारी इम्तिहा कि तुझ ओत्र पे हिंदुस्तान किस पार्लियामानस अंदर इस खास कर कांग्रेस जमात बे बाकियों इस तक हल्ला गुल्ला को यह बुनियाद पे सियासी नजरबंदन रिहाई मसा अनु अमल मज यह अफसोस मकाम अफसोस मकाम हुकूमत हिंदुस्तान खातर अदलिया खातर तमन सो कॉल इदारन खातर यह वनान अदल म्यामार जस्टिक म्यामार सियासत कारी करान अंग्रेज पे वनान डोमेस्टिक पॉलिटिकिंग कि कुछ वक्त आसान बीजेपी इकदार मज अम कांग्रेस डोल वाया कुछ वक्त आसान कांग्रेस इकदार मज अम बीजेपी डोल वाया अम बाकी जमात डोल वाया यह कूत अफसोस मकाम यह हकीकत कि अक्सर बेशतर केस कशन खिलाफ चाहे मजीर नबर सारे अपुज तो मनगढ़ केस इसलिए प्रोटेस्ट करने आए हैं क्योंकि मुफ्ती साहब ने हमें वादा किया था, हमने मुफ्ती साहब से वादा किया था कि हम पीडीपी को कामयाब बनाएंगे, आबिद अंसारी साहब जैसे लीडर को निडर ईमानदार लीडर को कामयाब बनाएंगे अपना कीमती वोट देकर, वो वादा हमने पूरा किया। मुफ्ती साहब ने भी हमारे साथ वादा किया था कि हम आबिद अंसारी साहब को जो 4 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है साथ वादा किया है कि हम जडीबल कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैबिनेट में नुमाइंदगी देंगे, वही वादा पूरा करे चाहते हैं कि हमारे आबिद अंसारी पीडीपी के देराना लीडर को काबिना में शमूलियत दे, उनको जो हम इसके हकदार है मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाए, जिसके हम हकदार है जिसके हम हकदार है, हम 4 लोगों के दिलों को चकनाचूर न करे, हमारे ख्वाबों को चकनाचूर न करे, वादा पूरा करे, पीडीपी पे दाग लगना न दे।